हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स यू स्कोर 100 द कंप्लीट सक्सेस अ फ्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन चैनल, सब्सक्राइब फॉर फ्री वीडियोस। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को दबाएं, साथ ही घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। शेयर करें अपने दोस्तों को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ब्लॉगर इत्यादि पर। एक लाइक जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो कॉमेंट्स या सजेशन हमें प्लीज़ जरूर भेजें। थैंक यू। प्रश्न नंबर 61, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, तटस्थ और संवेदनशील। प्रश्न नंबर 62, लोकतांत्रिक संस्थानों पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है कि? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, इनका विश्लेषण करके इनकी विशेषताओं और चुनौतियों को पहचाना जा सकता है। प्रश्न नंबर 63, संक्रियात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित के लिए अनुपयुक्त है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन। प्रश्न नंबर 64, वृत्त आरेख किसके लिए उपयोगी है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, समग्र के संबंध में किसी मूल्य को प्रदर्शित करना। प्रश्न नंबर 65, कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ की शुरुआत एक युवा लड़की या लड़के के द्वारा की गई, आपके विचार में पाठ्य पुस्तक निर्माता द्वारा यह रणनीति क्यों अपनाई गई है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावना को विकसित करना इसके लिए। प्रश्न नंबर 66, आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, आप क्या करेंगे? उपयुक्त प्रश्न में किसको बढ़ावा दिया जा रहा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, इतिहास के संदर्भ में कल्पना को। प्रश्न नंबर 67, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में सहायक हो सकते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना। प्रश्न नंबर 68, रचनात्मक मूल्यांकन को कब किया जाता है? रचनात्मक मूल्यांकन को कब किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान रचनात्मक मूल्यांकन को किया जाता है। प्रश्न नंबर 69, कक्षा कक्ष में पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रहों को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके। कक्षा कक्ष में पक्षपात, भेदभाव, पूर्वाग्रहों को दूर किया जा सकता है सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके। प्रश्न नंबर 70, एक क्षेत्र के इतिहास के पाठ को शिक्षक बा अभी पढ़ा रही है, उसके विचार में बा को क्या करना चाहिए? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, विभिन्न कला विधियों में समानताओं तथा परिवर्तनों पर प्रकाश डालना। ऑप्शन नंबर 1 प्रश्न का सही उत्तर है, विभिन्न कला विधियों में समानताओं और परिवर्तनों पर प्रकाश डालना। प्रश्न नंबर 71, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है, मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार लाना है। मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार लाना। ऑप्शन नंबर 4 प्रश्न का सही उत्तर है, प्रश्न नंबर 72, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐतिहासिक फिल्में उपयोगी हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों को या का सजीव चित्रण करने में।
प्रश्न नंबर 73, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के प्रति दृष्टिकोण आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में होना चाहिए। प्रश्न नंबर 74, तवा मत्स्य संघ मछुआरों की शाकाहारी समितियों का एक संघ है जो जंगलों से विस्थापित निवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। अधिकारों के लिए लड़ रहा है किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। तवा मत्स्य संघ मध्य प्रदेश से संबंधित है। प्रश्न नंबर 75, संविधान के अनुच्छेद 22 में उल्लिखित फौजदारी दंड कानून के अंतर्गत प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, पुलिस हिरासत में दिए गए इकबाल या बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 76, विधानसभा के सदस्य सही उत्तर है लोगों यानी जनता के द्वारा चुने जाते हैं। प्रश्न नंबर 77, गठबंधन सरकार से अभिप्राय है। गठबंधन सरकार से अभिप्राय या गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, चुनावों के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी गठबंधन सरकार कहलाती है। प्रश्न नंबर 78, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, भूगोल इतिहास राजनीतिक शास्त्र, भूगोल इतिहास राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल हैं। प्रश्न नंबर 79, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, विभिन्न मतों का सम्मान करना और विचारों व अभ्यासों का परीक्षण करना। प्रश्न नंबर 80, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में मानचित्रों और आरेखों का प्रयोग प्रासंगिक है क्योंकि वे, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि वे अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 81, कक्षा 1 में परिचर्चा के लिए दिए जाने वाले सामाजिक आंदोलन के प्रतीक अध्ययन केस स्टडी में निम्नलिखित में या निम्नलिखित का होना आवश्यक नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, आंदोलन के समाधान। प्रश्न नंबर 82, कक्षा 8 के विद्यार्थियों को मानव संसाधन के अध्यापन के समय आप विद्यार्थियों में प्रश्न नंबर 82 कक्षा 8 के विद्यार्थियों को मानव संसाधन के अध्यापन के समय आप विद्यार्थियों में किस मुख्य संदेश को विकसित करना चाहेंगे? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, संसाधन के रूप में लोगों का महत्व। प्रश्न नंबर 83, निम्नलिखित में कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है। यह है ग्राम पंचायत के संबंध में गलत है, जबकि ग्राम पंचायत के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना ये भी सही है। गांव के लोगों की बुनियादी सुविधाओं का निर्माण और रखरखाव करना ये भी सही है। स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना ये भी ग्राम पंचायत के कार्य के संबंध में सही है। प्रश्न नंबर 84, निम्नलिखित में कौन सा एक दीवानी सिविल कानून के दायरे में नहीं आता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, दहेज के लिए किसी महिला को परेशान करना दीवानी सिविल कानून के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि
जमीन को बेचने से संबंधित विवाद, तलाक का केस फाइल करना, बच्चों को रखने का दावा करना, ये सभी दीवानी या सिविल कानून के दायरे में आते हैं। प्रश्न नंबर 85, न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, न्यायपालिका व्यवस्था नागरिकों और नागरिकों के व सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की प्रक्रिया विधि उपलब्ध कराती है, परंतु दो राज्य सरकारों के बीच नहीं। ये न्यायपालिका के संबंध में गलत कथन है, जबकि न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों को रद्द करने का अधिकार होता है। न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में विधायिका और कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती, ये भी सही है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रश्न नंबर 86, संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत आता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य सरकार द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो वह अदालत में जा सकता है। ये संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 87, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। सभी अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों को समान अधिकारों का तथा जातीय विभेद की समाप्ति की मांग के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 88, भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, वित्त से संबंधित मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती है। यह भारतीय संसद के संबंध में गलत कथन है, जबकि संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। भारतीय संसद के तीन अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ये सभी कथन भारतीय संसद के बारे में सही हैं, जबकि वित्त से संबंधित मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती, यह गलत है। अर्थात वित्त संबंधी मामलों में संसद की मंजूरी लेना सरकार के लिए महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न नंबर 89, सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, तथ्यों, मूल्यों, आदर्शों पर बल देना चाहिए। प्रश्न नंबर 90, ये सीरीज का अंतिम प्रश्न है। मान लीजिए सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है, आप क्या करेंगे? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियां प्रदान करेंगे जिससे पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए सरल बन सके और वो आसानी से उसको पढ़ सकें या रीड कर सकें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही वीडियो को अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि सोशल नेटवर्क पर। साथ ही अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को अभी तक भी, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें जिससे आपको आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल जाए। बने रहिए दोस्तों हमारे चैनल पर अगली वीडियो आने तक। धन्यवाद।